नमस्कार, मैं हूं गणेश पासवान और आप देख रहे हैं न्यूज 12 असम नॉर्थ से खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होने में मात्र कुछ दिन बाकी है। ऐसे में अब देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। नीतीश कुमार के बाद अब ममता बनर्जी ने भी इंडिया अलायंस को झटका देते हुए पश्चिम बंगाल में 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। टीएमसी के उम्मीदवारों में इस बार यूसुफ पठान समेत कई नए चेहरे शामिल है और ममता बनर्जी के पार्टी ने पश्चिम बंगाल से ही एक कार्यक्रम के दौरान अपने उम्मीदवारों की सूची का ऐलान किया है। देखिए किस्सा कुर्सी का यह खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं बात करें कोलकाता के, तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को पश्चिम बंगाल के सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। लिस्ट में आधे से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव में उतर रहे हैं। नए उम्मीदवारों को टिकट देकर टीएमसी ने सत्ता विरोधी लहर को दबाने का प्रयास किया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुई जनगर्जन रैली में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। टीएमसी के लिस्ट जारी होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनाए गए इंडिया गठबंधन को भी बड़ा झटका लगा है। इतना ही नहीं, पार्टी ने ब्रह्मपुर से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतार कर सबको हैरान कर दिया। वहीं बंगाली टेलीविजन स्टार रसना बनर्जी हुगली से अभिनेता और बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी के खिलाफ भिड़ेंगी। पार्टी ने महुआ मोत्रा को भी टिकट दिया है। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान और रसना बनर्जी के अलावा टीएमसी सूची में अन्य बड़े नामों को भी शामिल किया गया है। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान और रसना बनर्जी के अलावा टीएमसी सूची में अन्य बड़े नाम भी शामिल है। इसमें सायोनी घोष का नाम शामिल जो जादवपुर लोकसभा सीट में मिली चक्रवर्ती की जगह लेंगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य अनिर्बान गांगुली से मुकाबला करेंगे टीएमसी प्रवक्ता देवांशु भट्टाचार्य, जबकि राज्यसभा सांसद प्रकाश सिंह बढ़ाई को अलीपुर द्वार निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है। उत्तर बंगाल में विधायक जगदीश चंद्र असुनिया और निर्मल चंद्र राय को क्रमश जलपाईगुड़ी और कूच बिहार से टिकट मिला है। दार्जिलिंग से पार्टी ने पूर्व सिविल सेवक गोपाल लामा को मैदान में उतारा है। एससी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में मिताली बाग, डॉक्टर शर्मिला सरकार, बापी हल्दर, मुकुटमणि अधिकारी और सुजाता मंडल पहली बार चुनाव लड़ेंगी। वहीं पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार लिस्ट में कई उम्मीदवार अभिषेक बनर्जी के करीबी है। इनमें देवांशु भट्टाचार्य, सायोनी घोष, शाहनवाज अली रेहान और बैरकपुर में अर्जुन सिंह की जगह लेने वाले पार्थ भौमिक शामिल है। हालांकि लिस्ट में सुदीप बंदोपाध्याय, सौगत राय, कल्याण बनर्जी और माला राय जैसे कई पुराने नेता भी शामिल है। टीएमसी ने 7 ऐसे नेता को उम्मीदवार बनाया है जो कभी बीजेपी के साथ थे। इनमें से शत्रुघ्न सिन्हा, कृति आजाद, रायगंज विधायक कृष्ण कल्याणी, रानाघाट दक्षिण के विधायक मुकुटमणि अधिकारी, सुजाता मंडल, पूर्व विधायक विश्वजीत दास और मंत्री विप्लव मित्र का नाम शामिल है। टीएमसी ने 5 मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया है, जिनमें से बसीरहाट के सांसद नुसरत जहां, जादवपुर के सांसद मिमी चक्रवर्ती, मथुरापुर के सांसद चौधरी मोहन जठुआ, अर्जुन सिंह, अपूर्वा पोदार शामिल है। हालांकि मिली ने राजनीति छोड़ने और इस बार चुनाव न लड़ने का इच्छा व्यक्त किया है। ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद अब इंडी गठबंधन को और एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने सीटों को सुरक्षित कर पाती है या इसका फायदा फिर भाजपा उठा ले जाती है।
पश्चिम बंगाल से ब्यूरो रिपोर्ट के सहयोग से न्यूज डेस्क रिपोर्ट न्यूज 12 असम नॉर्थ ईस्ट। न्यूज 12 के खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। वहीं अगर आप हमारे खबर को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक कीजिए। धन्यवाद।